होगा, बस वजन कम करना होगा तो होगा। मैं मोटा हूँ। ये ले आसिम भाई, बस एक। आसिम अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखते हैं। वर्दा तुम मेरे पीछे बैठो। वर्दा की हुदूद खत्म होती है तो जमीन की हुदूद शुरू हो जाती है। जगह नहीं है क्या? अम्मा बहुत कमजोर हो गया हूँ ना मैं। कांटा बोल कांटा, कमजोर तो फिर भी कुछ नजर आता है। चावलों की प्लेट मैंने यहाँ से उठा ली थी। जो चीज इतने सालों में जमा हुई है वो महीनों में नहीं जा सकती। जा सकती है अगर आप कोशिश करें। लेट्स गो। बेगम मैं हूँ। नहीं नहीं जलजला है। अरे यहाँ देखो मैं हूँ। कहाँ जा रहे थे? मैं तो कहीं नहीं जा रहा था। बहुत पसंद है ना आपको ये? ये खाना? अरे खाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं वो हाँ मैं तो बाथरूम जा रहा था। और ये मेरे पैर में रस्सी किसने बांधी है? मैंने। क्यों? ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरे सोने के बाद आप क्या क्या खाते हैं। अच्छा अब तुम मेरे निवाले गिनोगी, मेरे खाने पे नजर रखोगी। अरे कैसी बीवी हो तुम। दुनिया की और बीवियां तो अपने शौहरों पे नजर रखती हैं कि उनका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है, और तुमने खाने को अपनी सौतन बनाया हुआ है। अरे बेगम मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। क्यों रहम करूं मैं आप पर? अपने आप को देखा है आपने? कितनी दफा बोला है कि अपना वजन कम करें, लेकिन नहीं, वजन कम नहीं करेंगे। मजाले जो एक दफा भी मेरी बात सुन ली हो आपने, और अब ना ये रस्सी आपके पैर में बंधी रहेगी, और तब तक नहीं खोलूंगी जब तक आप अपना वजन कम नहीं कर लेते। बस बेगम सो जाएं। सुना है मोटापा बीमारी है, लेकिन शायद मुश्ताक साहब ने ऐसा कुछ नहीं सुना। उनके लिए जो वो थे मोटापा नहीं था, वो अपने आप को सेहतमंद कहते थे, लेकिन कोई उनकी बेगम की नजर से भी तो देखे। सुंदस को मुश्ताक का मोटापा एक आंख न भाता था। क्या मुश्ताक सुंदस के लिए अपने आप को तब्दील कर पाएगा? क्या सुंदस मुश्ताक के सर पे सवार खाना खाने के भूत को उतार पाएगी? ये है हमारी आज की कहानी के सवाल। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। आखिर सुंदस मुश्ताक के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई थी? मुझसे नहीं होगा, बस मैंने कह दिया है। अपने आप को देखे और मुझे देखे। क्या हुआ हम दोनों को? हम कभी साथ खड़े हो ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अलिफ और नून लिख दिया हो। मतलब उन, यानी हम दोनों साथ खड़े हो तो ऐसा लगता है जैसे उन खड़े हुए हो। दफा करो उनको। किनको? जिनकी आप बात कर रहे हो। उन तो हम है ना। जो भी है मुझे कुछ नहीं पता, वजन कम करें आप अपना। क्या क्या करना होगा? वजन कम करने का कह रही हूँ, पहाड़ खोद के दूध की नहर निकालने का नहीं। अरे बेगम अगर पहाड़ खोद के दूध की नहर निकालूंगा तो वजन तो वैसे ही कम हो जाएगा ना। हैं? फिर आप एक काम करें, पहाड़ खोद के दूध की नहर ही निकालें। देखो सुंदर, पूरे कराची में सिर्फ एक ही पहाड़ी थी, वो भी उन्होंने काट दी, अब उसको कहते हैं कटी पहाड़ी। वहां से दूध की नहर तो कभी नहीं निकली, अलबत्ता हर चंद रोज बाद खून की नहरें जरूर निकलती हैं। एक पहाड़ काटने का ही तो का है, वो भी आपसे पहले कोई और काट कर चला गया। अब हर काम में लेट क्यों जाते हैं? अरे तुम चाहती क्या हो इतना बता दो मुझे बस। मैं ना वो। अच्छा देखो रो मत,
इत्मीनान से आराम से बताओ। मैं आपके खातिर कितनी मेहनत करती हूँ कि आपको अच्छी लगूं, ज्यादा खाती भी नहीं कि कहीं मोटी ना हो जाऊं। आप पर कोई हक भी है ना मेरा? हम साथ खड़े हो तो मियाँ बीवी लगते ही नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि बीवी इतनी पतली और मियाँ इतना मोटा। मैं मोटा हूँ? अच्छा अच्छा बाबा, कुदरत ने बनाया तो मैं क्या करूँ? कुदरत ने आपको बनाया है, ये गोश्त जैसा पहाड़ तो आपने खुद बनाया है। देखो देखो, तुम खुदा की तखलीक में कीड़े निकाल रही हो। खुदा की तखलीक में नहीं, बंदे की तखलीक में निकाल रही हो। खुदा ने अकल भी तो दी है, कितना खाना है कितना नहीं खाना। लेकिन नहीं, जिस्म खा खा के गुप्पा हो जाए, लेकिन बस खाए जाओ खाए जाओ। बस मैंने कह दिया है, वजन कम करना होगा तो होगा, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुंदर बात तो सुनो। मोटा हूँ? सही। अब अगर कोई रात को रात न माने और बजिद हो कि नहीं सुबह है, तो कौन मनवाएगा उससे कि नहीं रात है। मुश्ताक को अपना आप बिल्कुल ठीक लगता था, रही सही कसर उनकी वालिदा ने पूरी कर। हाय मेरा बच्चा, कैसी हालत हो गई, कितना कमजोर हो गया है। अल्लाह, चेहरे का रंग तो देखो कैसा उतर गया है। चेहरे पे से तो बिल्कुल नूर ही चला गया। ऐसा लग रहा है अभी अभी अरकान से हाथ मिलाकर आ रहा है। कोई खिदमत करने वाला नहीं है ना? अम्मा, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ ना मैं। कमज़ोर? कमज़ोर तो फिर भी कुछ नज़र आता है। कांटा बोल कांटा। लेकिन अम्मा, वो सुंदर मेरा मतलब है कि लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। अरे मनुष्य लोग जलते हैं तेरी सेहत से। आहिस्ता बोल, लोग सुनने के। घर में कहाँ से आ गए लोग? डरती नहीं हूँ मैं किसी से। तेरे बच्चे को तो देखो, ऐसा लग रहा है अभी अभी गुलाब का कोई सारा रस पीकर चला गया। अम्मा, बहुत भूख लग रही है। हाँ मेरा बच्चा, क्या खाएगा? माँ की जान हाजिर है। अम्मा, बहुत दिन हो गए पकौड़े नहीं खाए मैंने। कितने बनाऊँ? ये कोई 5-6 किलो आलू काट लो बस। अभी बना के लाती हूँ। झूठ बोलने पे अगर सिंह निकलते ना, तो आपकी अम्मी 12 सिंगा होती। ईमान से ये क्या कर रहे? वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था। वो हाँ, मैंने आज ही कहीं पढ़ा है कि इस तरह करने से वजन जल्दी कम हो जाता है। अच्छा, अगर 2 दफा उठने बैठने से वजन कम हो जाता ना, तो 2 पकौड़े खाने से वजन और ज्यादा आ जाता है। पकौड़े? ये पकौड़े क्या होते हैं? आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना। खाने की चीज है कोई? नहीं नहीं, खाने की चीज थोड़ी ना है। एक चीज और भी होती है खाने की, उसको कहते हैं शर्म, जो आप भी खा लिया करे कभी कभी। झूठ, मुंह पे झूठ। और वो देखो क्या कहती है, गोभी के फूल को गुलाब का फूल कह रही है। तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। और हाँ, आप अम्मी से क्या बोल रहे थे? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, ईमान से। झूठ, कलमा पढ़ो, ईमान जाया हो गया आपका। ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बेगम, तो फिर से ईमान ले आया हूँ, इस खुशी में तो पकौड़े खाने दो। खाओ, जो खाने आप खाओ, मेरी तो हसरत ही रह जाएगी आपको दुबला देखने की। तो ये बीवी अब किसी भी हाल में खुश नहीं होती। ईमान से ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इंसान किसी जजीरे पे जाके रहे तो शायद उसका मुकाबला किसी से ना किया जा सके, लेकिन शायद बीवियां वहां भी कोई ना कोई ऐसा ढूंढ ही लेंगी जिससे शौहर का मवाजना किया जा सके। और यहां तो बाकायदा एक दुबला पतला इंसान मौजूद था, सुंदस का बहनोई आसिम। भाई कसम से मैंने तो ड्रामे देखने ही छोड़ दिए। मगर क्यों? लाइट की वजह से। अच्छी खासी हीरोइन रोने वाली होती है कि लाइट चली जाती है। अब बैठे सोचते रहो कि पता नहीं हीरोइन रो रही होगी कि नहीं रो रही होगी, और जैसे ही लाइट वापस आती है हीरोइन खुश हो खुर्रम।
पता नहीं अल्लाह जाने बीच में क्या हुआ होगा। तो मुश्ताक भाई आप रिपीट में देख लिया करें ना। नहीं नहीं, रिपीट के चक्रों में मैं नहीं पड़ता। ड्रामा एक दफा देख लिया तो देख लिया बस। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे थी थी आसिम भाई थी। वो आपके बहाने हम भी थोड़ा सा खा लेंगे। ये ले आसिम भाई। बस एक। हाँ आसिम अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखते हैं। दो टाइम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता और रात में हल्का फुल्का सा खा लेते हैं। और जब दोपहर में ऑफिस जाते हैं तो इनको सलाद बना कर दे देती हूँ, वो ही ऑफिस में खा लेते हैं। बस तो फिर भूखे रह जाते होंगे आसिम भाई। नहीं नहीं, वैसे भी इंसान को थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और वो एक कॉल है ना कि अक्सर लोग दांतों से ही अपनी कब्र खोद देते हैं। यहाँ तो खुद भी झुकी क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे तो रश खा रहा है आसिम भाई पे। सुन्नत के मुताबिक खाते हैं यहाँ तो। सुन्नत क्या, फ़र्ज क्या, वितर क्या, नवाफिल भी खाए जाते हैं और तहज्जुद भी बाकायदगी से पढ़ी जाती है। अब बेटा आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं अंकल, सुबह स्कूल शाम में कराटे क्लब। अब्बू कहते हैं कराटे करने से सेहत अच्छी रहेगी। अब यार आसिम, बड़े दिन हो गए फिल्म नहीं देखी है, क्या ख्याल है कल चले? आप क्या कहती हैं? मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप आसिम से पूछ लें। नहीं मुश्ताक भाई, शाम में जिम जाना होता है, अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो लगता है पूरा महीना पीछे रह गया। वैसे खाना रेडी है, क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ हाँ चले चले, इंतजार किस बात का, चले। आइए आसिम भाई, कौशल तुम भी आओ। आओ बेटा चले। आज से डाइटिंग शुरू। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई गम गुसार होता कोई चारा साज होता। घर में तो खाने पे पाबंदी लग चुकी थी, अब भूख कहीं ना कहीं तो मिटानी थी। भाई तो खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? जहाँ इतने सारे लोग हो ना, मुझसे तो नहीं खाया जाता। अच्छा किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? अरे तुम लोग और कौन? देखो भाई खुदा के लिए मेरी बीवी मत बनो, तो मैं घर से जान छुड़ा के यहाँ आता हूँ कि यहाँ के मैं डट के खाऊंगा और तुम मुंह से आग उगलने लगते हो। अब ऐसा करोगे तो कहाँ जाएगा ये मासूम सा आदमी? अरे ठीक ही तो कहती है भाभी, जिसामत देखी अपनी। लो भाई नहीं खाता खाना, सब तुम लोग दुश्मन बन गए हो मेरे। नहीं मैं काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ भूख हड़ताल पे, घर के बाहर कैम लगा के बैठ जाता हूँ मैं। खाना बुरा नहीं है मुश्ताक, मगर ज़्यादा खाना बुरा है भाई। भूख लगती है जब ही खाता हूँ ना, कंट्रोल नहीं होता यार मुझसे। कम खाने के दो फायदे हैं, ज़्यादा खाने से इस होटल वाले को बिल ज़्यादा देना पड़ेगा, और ज़्यादा खाने से जब तुम बीमार पड़ोगे ना तो डॉक्टर को पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छा इसका मतलब है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हो वही ज़्यादा खाए, आम आदमी भूखा मर जाए। तवाज़ुन लाओ मेरे दोस्त, तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। अब देख लो हम दोनों हम उम्र हैं तकरीबन, लेकिन तुम मुझसे कम से कम 5 साल बड़े लगते हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई। वेटर यहाँ ना। तो ये बताओ कि हम दोनों में बड़ा कौन लगता है? आप? अच्छा अच्छा ये बताओ कितना बड़ा लगता हूँ मैं? 10 साल। एक बात याद रखना, बिल मुझे देना है। जभी तो 10 कहे, नहीं तो 15 कहता। ज़बाने खल्क को नकारा खुदा समझो, अगर तुम्हारे खाने की यही रफ्तार रही ना तो यही बंदा 2 साल बाद पूरे 20 साल बोलेगा, क्या समझे?
मुश्ताक साहब क्या समझे थे कि वो घर में बीवी का दिल रखने के लिए कुछ नहीं खाएंगे और बाहर दावतें उड़ाएंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका अटक ही जाता है, और अगर ना भी अटके तो शादी के बाद खुदा औरत को एक ऐसी हिस अता कर देता है कि वो गैब का इल्म भी जान लेती है। कहाँ गए थे? अब तुम जाग रही हो? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब होता है, बताओ। वो हाँ, तो मेरा दोस्त रहीम है ना, तबीयत बहुत ख़राब थी, बड़े दिनों से दिल हो रहा था उससे मिलने गया था मैं। वो मैं फिर उसकी तरफ। क्या खाया आज बाहर? अब कुछ भी नहीं, मैं तो उसकी आदत के लिए गया था, और मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं बाहर कुछ भी नहीं खाऊँगा। दाल चावल नहीं बेगम, कोरमा ईमान से नहीं, बिरयानी, रायता, ये मुझ पे इल्जाम है, साजिश है मेरे खिलाफ। ईमान से बेगम, मैंने कुछ भी नहीं, कसम से कुछ भी नहीं खाया मैंने। पहले तो कलमा पढ़ो, दूसरा ये कि जब कुछ खाया नहीं तो रायता खुद ब खुद चल के यहाँ लग गया, पता नहीं कब कैसे कहाँ। बस एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आसिम भाई को देखा है आपने, कितना ख्याल रखते हैं अपना, जिम जाते हैं, खुदा से हद देना तो उसका ख्याल भी रखा जाए। अब अपनी बाइक का कितना ख्याल रखते हैं, उसका 5% भी अपना ख्याल रखे ना तो मैं खुश हो जाऊं। मशीन को जरूरत होती है मेंटेनेंस की, इंसान को नहीं होती क्या? लेकिन बेगम मेरी बात, बासित को देखा है आपने, कराटे खेलने जाता है, हाय हाय एक मेरी किस्मत है। बस कल से एक्सरसाइज शुरू, ड्रामे क्रिकेट सब बंद, कल से सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के प्रोग्राम। बात तो सुनो, कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जिंदगी में पहली बार टीवी देखना बहुत बुरा लग रहा था। Let's go. To do jumping jacks right, begin by standing. चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। बजेगा ऑन द फ्लोर, आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर, आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। ऑल द रजनी फैंस, डोंट मिस द चांस। क्या हुआ? वो मैंने ब्रेक ली थी, मैंने भी ले ली। कमर्शियल के दौरान एक्सरसाइज करता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा ना, कर रहा हूँ ये देखो। बेदिली से कर रहे हैं ना, जैसे कोई मजबूरी हो। कर तो बेदिली से रहा हूँ। सुंदस मुश्ताक पे वार करने का कोई मौका जाने ना देती, जहाँ अंगूठे की जगह होती वहाँ पूरा हाथ रख देती। आ जाओ भाई आ जाओ, आज तो बड़े सामान ले लिया तुमने है। चलो कुछ नहीं, वो मेरा ख्याल है कि हम घूम के आता हूँ मैं।
तुम चलो जरा, मैं जरा घूम के आ रहा हूँ, पीछे चलो। धक्का दूँ? नहीं नहीं, पीछे से चलते, मैं घूम के आ जाऊँगा। चलो चलो। गई सुंदर, देर भी हो रही है। अरे आ जाओ बेगम, कितनी देर लगेगी? एक बार कह दिया ना कि आ रही हूँ तो बस आ रही हूँ। बेटा हमारी खाला बहुत गुस्से में है, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना, समझे? आप ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना अंकल, मुझसे तो वो बहुत प्यार करती हैं। चले वो। बेटा तुम्हारी अम्मी को तो आने दो, उनके बगैर तो नहीं जाएंगे ना। बेटा तुम्हारे अम्मी अबू घर तो आ गए होंगे ना? जी वो तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा जैसे ही तुम्हारी खाला आई हम चल पड़ेंगे। चलें? चलें जी चलें, आ गए। चलो भाई चलो, आ जाओ शाबाश। अरे भाई क्यों तुम लोग परेशान होते हो, हम चार लोग हैं आराम से बैठ जाएंगे, आजकल तो बाइक पे छः लोग बैठ जाते हैं। भाई ये देखो, ये मैं बैठ गया, बाइक मैं चलाऊंगा, बासे तुम यहाँ बैठो, हम हो गए दो। वरदा तुम मेरे पीछे बैठो। मैं काम करती हूँ, मैं दौड़ कर आपके साथ चली आती हूँ। भाई तुम वर्दा के पीछे बैठ जाओ ना। वर्दा की हदूद खत्म होती है तो जमीन की हदूद शुरू हो जाती है। जगह नहीं है क्या? ऑलरेडी चार लोग तो पहले बैठ चुके। अच्छा भाई इस मसले का एक और हल है, चलो। इस मसले का अब एक ही हल है, आप घर पर बैठे, मैं बासित को बाइक चला के खुद ही छोड़ आती हूँ। बाइक चलानी आती है क्या मुश्ताक? बात सुनो सुंदर। अरे बेटा तुम तो रुक जाओ, क्या मुसीबत है यार। अंकल आप पहले मुझे ड्रॉप कर दें, खाला को बाद में बना लीजिएगा। अच्छा लेकिन एक शर्त पे, इस वाक्य का जिक्र तुम किसी से करोगे नहीं। डन अंकल, वैसे मेरे पास आपके इस मसले का एक हल है। हैं अच्छा, अरे यार तो तुझे पप्पी करने का दिल कर रहा है। चल भाई चल, चल तुझे छोड़ दूं। भाई मुझे बता के इस मसले का हल क्या है, चल बेटा शुरू हो जाए। हाँ बेटा अब बताओ। क्या बताओ अंकल? अरे वही मेरे मसले का हाल यार। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत आसान है। तो बताओ ना। ऐसा करें अंकल, आप गाड़ी ले लें। वाह बेटा क्या हल बताया तूने। अरे ये हल तो मुझे भी पता था। और खबरदार जो अपनी खाला को गाड़ी के बारे में बोला है, मेरे पीछे पड़ जाएंगी वो। अरे भाई वो चाहती की मैं दुबला पतला हो जाऊँ, उसका हल बता ना। वो तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। तो फिर हाँ बेटा अब बताओ क्या हल है तुम्हारे पास। अब बताएं अंकल क्या मसला है। साहब तुम्हारी आंटी चाहती हैं कि मैं बिल्कुल दुबला पतला हो जाऊं, सूखा सा। तो हो जाए ना, इसमें मसला क्या है? अरे तुम मेरी तरफ हो या खाला को बता दूंगा। बेटा मेरा मतलब है कि आप मेरी तरफ हैं या अपनी खाला की तरफ। गाड़ी वाले मसले का पता था, वो मैंने बता दिया, बाकी आप जाने खाला जाने ससुराल जाने, तो फिर चलें। चलो बेटा चलो। मैं बासित को छोड़कर घर आया तो एक नया हंगामा मेरा इंतजार कर रहा था। अब मुझे कार चाहिए, अगर इस घर में एक बच्चा और आ गया तो क्या हम पैदल सफर करेंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जो भी आया नहीं है उसके लिए पहले से सामान लेने की जरूरत क्या है, जब आएगा जब देखी जाएगी। उससे पहले सबके सामने मेरी बेइज्जती हो। मुझे क्या पता था कि बासित को घर छोड़ना पड़ेगा। वैसे हम तीनों के लिए तो बाइक काफी है ना। अम्मी आसिम भाई का फोन है, वो बोल रहे हैं कौन सा मॉडल चाहिए, क्योंकि जो आप बोल रही है वो तो 8 लाख की गाड़ी है। 8 लाख? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। जी भाई आप देख लें बयाना कितना होगा। हाँ हाँ आप देख लें, मुझे बता दीजिएगा प्लीज। सुंदर ये क्या था, हम गाड़ी नहीं ले सकते। ठीक है नहीं लेते, शुक्र, लेकिन एक शर्त पे कि पूरे 2 महीने में आपको अपना वजन कम करना होगा। कि एक महीना 4 लाख का पड़ रहा है, बेगम कुछ तो रियायत करो। जो चीज इतने सालों में जमा हुई है वो महीनों में कम नहीं की जा सकती। जा सकती है अगर आप कोशिश करें तो, मगर आप कोशिश ही नहीं करते।
आपको तो पता है ना कि आपको दिल की बीमारी है और उसके लिए मोटापा कितना नुकसानदेह। आपको कुछ हो गया तो वर्दा देख लेगी। मैं वर्दा ही हूँ। कम से कम वर्दा का ख्याल कर लें आप। डॉक्टर के पास जाओ तो 10 एहतियातें बताते हैं कि मुश्ताक साहब ये खाएं या ना खाएं, मगर आप जो आ रहे हैं वो बस खाए जाओ। आपको किसी का कोई एहसास ही नहीं है, ना मेरा ना बच्ची का। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? 2 दिन एहतियात, फिर वही आपकी चौसलेबाजियाँ। मैं कहाँ तक रोकूंगी आपको? हर जगह तो नहीं साथ हो सकती ना। आपको कुछ एहतियात करना होगी। ठीक है, आज से मेरे खाने पे मार्शल लॉ लगा दो, रेंजर्स बिठा दो रेंजर्स, और अगर मैं फ्रिज के पास जाऊं भी तो मुझे रोक लेना। वर्दा बेटा तुम भी। डन, वरना 8 लाख की गाड़ी। ओके ओके। चावलों की प्लेट मैंने यहाँ से उठा के रख दी। चावल? चावल यहाँ किसने रखे थे? ईमान से मुझे नहीं पता। कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज नहीं आई जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उठ जाएं, एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। ठीक है, मैं आसिम भाई को कॉल करके 8 लाख की गाड़ी का अभी डन कर देती हूँ। कहाँ है मेरा फोन? नहीं, ठीक से करना। अब सब घर वाले इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि मुश्ताक साहब को खाने के मामले में एहतियात से काम लेना है, सिवाय उसकी अम्मा के। बेटे ने तो अपना दिल मार लिया, लेकिन माँ से अपना दिल न मारा गया।
अरे अम्मी बताओ तो सही, बात क्या है? अरे आना, बस तू यहाँ बैठ जा। बता भी नहीं रही हो। अरे बैठ ना यहाँ। चलो बैठ गया। आंखें बंद कर, मैं अभी आता हूँ। अम्मा किसके लिए? तुम्हारे लिए। वाकई? नहीं अम्मा, सुंदर को पता चल गया ना, कयामत आ जाएगी। बेटा तुम्हारी माँ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैंने उनको बाहर भेज दिया है, शॉपिंग करने गए। जब तक वो आएंगे ना, माँ बेटे इसको साफ कर चुके होंगे। 15 दिन से सब्जियां खा खा के ना तुम्हारा मुंह एकदम बैगन जैसा निकल आया है। खुश कर दिया अम्मा, तूने खुश कर दिया मुझे। चम्मच लेके आऊं? हाँ जल्दी जल्दी ले आ, जल्दी। आप किसी का कोई एहसास ही नहीं है, ना मेरा ना बच्ची का। मैं कहां तक रोकूंगी आपको, हर जगह तो नहीं साथ हो सकती ना। ये कहाँ चला गया हलवा छोड़ के? अरे मुश्ताक, अरे बेटा, मुझे लगा कि मैं वजन तो नहीं कम कर पाऊंगा, तो मुझे गाड़ी ही लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आसिफ को घर बुला लिया। यार मैं तो बिल्कुल हार गया भाई। क्या मतलब? अब इतने भोले भी ना बनो तुम। क्या मतलब मुश्ताक भाई? देखो गाड़ी लेनी है, लेकिन 8 लाख वाली नहीं, मेरे पास यही कोई 6 लाख रुपए होंगे, उसी में कोई गाड़ी दिला दो। कैसी गाड़ी मुश्ताक भाई, क्या कह रहे हैं आप? सुंदर ने तुमसे गाड़ी का कहा था ना? नहीं तो क्या, क्या आपसे कहा है? हाँ मुझे कहा है कि वजन कम करो या फिर। या फिर क्या मुश्ताक भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि छोटी सी गाड़ी ले लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तुम नारियल पानी पियो ना, मीठा है, पियो पियो पियो। ठाक भाई आप भी ना। यार रहीम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सुंदर मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मुझे उसने कहा था कि उसने आसिम से गाड़ी के सिलसिले में बात की है। जब मैंने आसिम से पूछा, उसने कहा मुझे पता ही नहीं है। तो फिर उसने गाड़ी के लिए बात किससे की थी? तुम अपनी बेगम पे शक कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे उस पर शक करने से पहले मैं मर क्यों ना जाऊं? लाखों में एक है मेरी बीवी, लाखों में एक। जिस तरह वो तुम्हारे लिए लाखों में एक है, वैसे ही तुम उसके लिए लाखों में एक हो। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे भाई तो मैं कहां जा रहा हूं जो खो जाऊंगा? मुश्ताक साहब एक हार्ट अटैक हो चुका है आपको, और उसकी वजह भी आपको पता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने आपको बचा लिया। अरे तो अल्लाह ने बचा लिया ना, उसकी बीवी ने, मैं तो कभी टुकरा दूं क्या? मुझसे बात की थी भाभी ने गाड़ी की, कि इस बहाने तुम एहतियात करना शुरू कर दो। क्या? अरे क्या क्या नहीं किया भाभी ने तुम्हें, एक्सरसाइज कराने और मोटापा कम करने के लिए। रूठी भी, धमकी भी दी, तंज भी किया, मजाक भी उड़ाया, प्यार से भी बोला। और क्या करेगी वो बेचारी? अरे खाना कम होगा, मोटापा कम होगा, तो उसको तसल्ली होगी कि अब अटैक का खतरा कम है। भाभी को तुम्हारी परवाह है, और वो फूल जैसी मासूम बच्ची रो रो के कहती है अब्बू को समझाए, अब्बू को समझाए। क्या समझाऊं मैं उसको कि तुम्हारे अब्बू को तुमसे ज्यादा वो भुने हुए लेग पीसी से प्यार है। नहीं रहीम ऐसी बात नहीं। अरे बस करो यार, तुम जबान के चस्के में ये भूल गए हो कि वो दोनों तुमसे कितना प्यार करती हैं, और तुम्हारी माँ भी। अपने प्यारों का ख्याल करो, तवाजुन लाओ जिंदगी में, तवाजुन। मैं वाकई भूल गया था
कि मुझे मेरे अपने कितना प्यार करते हैं और मैं अपनी धुन में जिंदगी गुजार रहा था। कैसे तो करो ना यार। मेरे पापों का शहजादा और मेरा मान, मेरा सरताज और जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये क्या देख रही हो तुम? वो मैं ड्रामा देख रही थी। आज से इस घर में ड्रामे बिल्कुल बंद। कभी नहीं छोड़ के जाएगा। आज से इस घर में सिर्फ एक्सरसाइज के प्रोग्राम देखे जाएंगे और हम तीनों कल सुबह 6 बजे से रोजाना वॉक पे चलेंगे। सच? ईमान से अब कलमा पढ़ने का मत कह देना। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जान उतनी ही होनी चाहिए जितनी संभाली जा सके, वरना नुकसान का बायस भी बन सकती है। जिस्म रूह का लिबास है, इसको संवार के रखिए। तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इस नेमत की कद्र कीजिए, वरना कभी कभी